यस भी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी किसको बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग है यहाँ पे कि कितना वॉल्यूम के अंदर ऑफ कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर होगा। लिख लीजिए, इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर टू वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर ये लिख सकते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको हम लोग, टोटल एनर्जी बाय वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर। तो इस रेशो को हम निकालना हमको, तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या बनेगा यहाँ से देखिए। टोटल एनर्जी का फार्मूला हमने लास्ट टाइम किया था, हाफ सी वी स्क्वेयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट एंड डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो ए इंटू डी ओ क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। अब यहाँ से कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज़ किया हुआ है, तो सी का वैल्यू कितना होता है वहाँ पे, होता है एप्साइलन नॉट ए बाई डी, एप्साइलन नॉट ए बाई डी। और पोटेंशियल को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो ये था ई इंटू डी, यानी हमारे पास सी का फार्मूला था वी बाई डी। दोनों को यहाँ पे रख देते हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 सी, कैपेसिटेंस का फार्मूला है एप्साइलन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर का फार्मूला ई स्क्वेयर डी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए डी। तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो रहे हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से ए कैंसिल हुआ, डी स्क्वेयर कैंसिल हुआ, तो क्या फार्मूला बचा, 1/2 एप्साइलन नॉट ई स्क्वेयर, 1/2 एप्साइलन नॉट ई स्क्वेयर, दिस इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉमन पोटेंशियल। देखिए कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल से एग्जांपल करके बताते हैं आपको। मान लेते हैं मेरे पास एक वाटर का टैंक है, एक टैंक ये है, दोनों टैंक्स के अंदर वाटर है बट डिफरेंट लेवल्स में, लेवल क्या उनका डिफरेंट है। उन दोनों टैंकों को जोड़ा गया नीचे से पाइप के थ्रू, तो क्या होगा, टैंक ए का पानी टैंक बी में जाएगा क्योंकि इसका लेवल ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा बनेगा इसका। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। इस कॉमन लेवल को ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, कॉमन पोटेंशियल बोल सकते हैं। कि दो कैपेसिटर हो सकते हैं, दो कैपेसिटर को जब जोड़ा जाएगा तो चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल्स क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए एक बार लिखिए, वी हैव टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 हैविंग पोटेंशियल V1 and V2 are connected with each other। अगर दो कैपेसिटर को जोड़ा गया है तो चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक, लेकिन बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग का क्या आंसर होगा, देखिए टोटल चार्ज निकालना हमको, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। चार्ज का फार्मूला हमारे पास था सी वी, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट का चार्ज कितना होगा,
इट इज सी वन वी वन प्लस सेकेंड का कितना होगा सी टू वी टू। ये है टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। अब उनको जोड़ दिया गया है तो बॉडी क्या करे, चार्ज कहाँ से फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल्स तक फ्लो करेगा। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, उस पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल्स। तो लिखिए आफ्टर शेयरिंग द कैपेसिटर चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल until potential of both capacitor became equal, until potential of both capacitor became equal, this potential is called common potential. This potential is called a common potential. तो मान लेता हूँ V क्या है मेरा, V is the common potential. अब देखिए टोटल चार्ज निकालना हमको, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, हर एक का चार्ज कितना होगा आफ्टर शेयरिंग। फर्स्ट का कितना होगा सी वन वी, वी सेम हो गया दोनों के लिए, प्लस सी टू वी, सी टू वी। अब देखिए जो मैंने एग्जांपल किया था टैंक वाला, टैंक में से एक में से पानी दूसरे में चला जा रहा है, कब तक, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, ठीक है। लेकिन टोटल वाटर जो था वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए तो चार्ज था बिफोर और आफ्टर की वैल्यू वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल चार्ज बिफोर इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। दोनों कंडीशंस में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। टोटल चार्ज में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या आंसर क्या रहेगा, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू, और आफ्टर शेयरिंग में क्या था सी वन वी प्लस सी टू वी। तो सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू इज इक्वल टू, यहाँ से वी कॉमन आ सकता है, सी वन प्लस सी टू इंटू वी। तो मेरे को फार्मूला निकालना है V का, तो कितना आंसर आएगा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू। दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ से V कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे नीचे ले आइएगा इसके डिवाइड में, दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल व्हेन वी कनेक्ट टू कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस एंड डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टोटल लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस व्हेन वी कनेक्ट टू कैपेसिटर्स। जब दो कैपेसिटर को जोड़ रहे होंगे तो चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो उस दौरान एनर्जी का कितना लॉस हुआ होगा वो हमको निकालना है। तो सिंपल है, लिख लीजिए इसमें भी, वी हैव टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी वन सी टू, सी वन एंड सी टू हैविंग पोटेंशियल वी वन एंड ए वी टू, हैविंग पोटेंशियल वी वन एंड ए वी टू आर कनेक्टेड विद ईच अदर। दोनों कैपेसिटर को जोड़ा गया है तो चार्ज ऑब्वियस फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जब चार्ज फ्लो करेगा उस दौरान कितना एनर्जी का लॉस होगा वो हमको निकालना है। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग कितना होगा दोनों कैपेसिटर्स के लिए। इसको मैं इवन लेता हूँ, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी, यहाँ से देखिए 1/2 सी वन वी वन स्क्वेयर, फार्मूला ऑफ एनर्जी का सेकेंड वाले की 1/2 सी टू वी टू स्क्वेयर, 1/2 सी टू वी टू स्क्वेयर। ये है टोटल एनर्जी ऑफ टू कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग। आगे देखते हैं, आप जब उनको जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग द चार्ज, इसको मैं E2 ले लेता हूँ,
अब दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिया गया तो चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। कब तक फ्लो करेगा? जब दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, उसको नाम दिया गया था कॉमन पोटेंशियल्स। तो आफ्टर शेयरिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा इस इक्वेशंस के अंदर कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका होगा? सेम हो चुका होगा। तो 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V², तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? E2 को देखिए, यहाँ से 1/2 कॉमन आ सकता है, C1 प्लस C2 और V² भी कॉमन आ सकता है। ये V² क्या है? ये है कॉमन पोटेंशियल। और मैं V का फार्मूला निकाल चुका हूँ। V का फार्मूला क्या था? और द फार्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल्स, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल्स। आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो आंसर क्या होगा? देखो, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो E2 का वैल्यू कितना होगा? E2 इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V² कितना है? C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वेयर। C1 प्लस C2 से एक पावर कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ E2? E2 का फार्मूला बनेगा 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वेयर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इट इज़ द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस। ठीक है, तुम्हारे पास दो एनर्जी आ चुकी हैं। एक एनर्जी थी हमारे पास बिफोर शेयरिंग, E1 इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वेयर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वेयर। एक एनर्जी है आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझसे बड़ी कौन सी है? देखिए, लॉसेस का मतलब क्या होता है? लॉस मतलब क्या कि पहले एनर्जी ज़्यादा थी, अब एनर्जी क्या हो गई है? पहले से कम हो गई। ऑब्वियस है E1 ज़्यादा है। E2 तो क्या है? आफ्टर लॉस द एनर्जी, ये वैल्यू बचा है। तो हम अगर लॉस निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे? हम बड़े में से छोटी एनर्जी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तुम्हारा क्या निकलेगा? लॉस इन एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा? इसको मैं E ले लेता हूँ। हम क्या करेंगे? बड़ी एनर्जी में से छोटी एनर्जी माइनस कर देते हैं, E1 माइनस E2 ऑफ ई। E1 का वैल्यू था 1/2 C1V1 स्क्वेयर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वेयर माइनस 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये वैल्यू है E2 का। दिस इज द वैल्यू ऑफ E1। ये बिफोर शेयरिंग है, ये आफ्टर शेयरिंग का वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशंस का एलसीएम ले लेते हैं। इज इक्वल टू पूरी इक्वेशन का एलसीएम कितना आएगा? ये आएगा 2 × C1 प्लस C2। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा इस कंडीशंस के साथ? 2 से 2 यहाँ पे गया, तो C1V1 स्क्वेयर ये वाला वैल्यू इंटू C1 प्लस C2 प्लस C2 इंटू C2V2 स्क्वेयर इंटू C1 प्लस C2 माइनस यहाँ पे क्या होगा? C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार। तो पूरा एलसीएम लिया गया 2 × C1 प्लस C2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, C1V1 स्क्वेयर इंटू C1 प्लस C2, C2V2 स्क्वेयर इंटू C1 प्लस C2, और ये कंप्लीट यहाँ पे है, तो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वेयर। अब इसको कंप्लीट को सोल्व कर लेते हैं। E इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर होगा? C1² V1² प्लस C1 C2V1² प्लस यहाँ पे देखिए C1 C2V2² प्लस C2² V2² माइनस, इसका स्क्वेयर ओपन कर लेते हैं, कितना आंसर होगा? C1² V1² प्लस माइनस C2² V2² माइनस 2 C1V1 C2 V2 डिवाइड बाई 2
C1 + C2। देखो इक्वेशंस को कंप्लीट देखिए, C1V1² से C1V1² माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे C2V2² से C2V2² माइनस कैंसिल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा C1C2 यहाँ पे भी है, C1C2 यहाँ पे भी है, और C1C2 यहाँ पे भी है, तो पूरी इक्वेशन से C1C2 कॉमन निकाला जा सकता है। तो एनर्जी कितना हुआ, लॉस एनर्जी, मैंने C1C2 को बाहर निकाला, यहाँ बचा V1² प्लस यहाँ बचा V2² और कहाँ पे है ये वैल्यूज़, माइनस 2 V1 V2 डिवाइड बाई 2 C1 + C2, ठीक है। ये इक्वेशन है V1 - V2 के होल स्क्वायर का इक्वेशन बनता है। तो मेरे पास आंसर क्या है, मेरा एनर्जी लॉस का आंसर हुआ E = C1 C2, ये वैल्यू हुई V1 - V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 + C2 × 2। दिस इज द एनर्जी लॉस इन द कैपेसिटर व्हेन दीज कैपेसिटर आर शेयरिंग देयर चार्जेस। भी इतना एनर्जी का लॉस होगा अगर दो कैपेसिटर क्या करते हैं, अपने चार्ज को शेयर करते हैं, कब तक, जब तक उनका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक एक्चुअल में इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं ये, इंसुलेटर को ही क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो सिंपल लिखिएगा डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, देखिए जी, दीज आर द इंसुलेटिंग मटेरियल विच कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग, विच कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। मतलब क्या है, जो बिना चार्ज को फ्लो करवाए इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंडक्ट करवा देते हैं अपने अंदर से, इट इज़ कॉल्ड ए डाइइलेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। देखिए हर एटम्स या हर सब्सटेंस एटम्स का बना होता है, और एटम्स के पास क्या होते हैं, पॉजिटिव्स, न्यूक्लियस, और बाहर क्या घूमता है, नेगेटिव्स। हम ये बोलते हैं एवरी एटम हैव इट्स पॉजिटिव क्लाउड्स एंड इट्स नेगेटिव क्लाउड्स। एक पॉजिटिव क्लाउड के ऊपर क्या है, एक नेगेटिव क्लाउड का अरेंजमेंट है। इस पॉजिटिव का भी सेंटर मिलेगा, इस नेगेटिव क्लाउड का भी सेंटर मिलेगा, ठीक है। तो एवरी पॉजिटिव नेगेटिव क्लाउड हैव इट्स ओन सेंटर्स। तो एक बार लिख लीजिएगा, एवरी मटेरियल्स मेड बाय एटम एंड एटम हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव चार्ज। या ये बोल सकते हैं एवरी एटम हैव पॉजिटिव क्लाउड्स एंड ए नेगेटिव क्लाउड्स विद इट्स सेंटर। अब ये डाइइलेक्ट्रिक्स करता क्या है, कितने तरह का होता है, कैसे काम करता है, ये हमको देखना है। यहाँ से देखिए, टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक दो तरह का होता है, फर्स्ट है नॉन पोलर, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। सेकेंड होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। दो तरह का होता है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक और पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, देखिए ऐसे डाइइलेक्ट्रिक या ऐसे सब्सटेंस जिनके पॉजिटिव क्लाउड के सेंटर और नेगेटिव क्लाउड के सेंटर कॉन्साइड करते हैं। कॉन्साइड मतलब क्या है, ये मेरा हाथ है, ये हाथ को मैं ऐसे रखूँ, ये ओवरलैपिंग हो गया। अब आप ऐसे भी बोलोगे ना, तब ये ओवरलैप कर रहा है, एक लाइन में आए हुए हैं सारी उंगलियाँ, तो इसको बोलते हैं कॉन्साइड करना। अगर किसी भी एटम के पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर्स क्या कर रहे हों, कॉन्साइड कर रहे हों, वो जो डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। लिख लीजिए एक बार, द डाइइलेक्ट्रिक्स हुज सेंटर ऑफ पॉजिटिव क्लाउड्स
या होल सेंटर ऑफ पॉजिटिव कॉन्साइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव्स, सेंटर ऑफ पॉजिटिव कॉन्साइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव्स, जिसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, कॉन्साइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स। उसको लिखने का तरीका ये है, हम एक ऐसा बनाते हैं अरेंजमेंट्स, बीच में लिखते हैं पॉजिटिव और यहाँ पे ये लिखते हैं नेगेटिव्स। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या कर रहे होते हैं, कॉन्साइड मतलब एक क्या कर रहे हैं, एक लाइन में आए हुए हैं, एक सीध में आए हुए हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, बेंजीन, और भी बहुत से एग्जांपल हैं जो दिखाते हैं जिनके पॉजिटिव क्लाउड्स के सेंटर और नेगेटिव क्लाउड के सेंटर क्या कर रहे होते हैं, कॉन्साइड कर रहे होते हैं, वो क्या हमारे नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट डालिएगा, पोलर डायलैक्ट्रिक्स इसके उल्टे होते हैं, ऐसे मटेरियल या ऐसे इंसुलेटर या ऐसे डायलैक्ट्रिक्स जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स क्या करते हैं, कॉन्साइड नहीं करते, वो क्या होते हैं, पोलर डायलैक्ट्रिक्स। लिख लीजिए, द डायलैक्ट्रिक्स होज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कॉन्साइड, ठीक है, दीज आर कॉल्ड पोलर डायलैक्ट्रिक्स। उसको लिखने का तरीका ये है, हम ये दिखाते हैं एक तरफ प्लस एक तरफ से माइनस, कि ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव कॉन्साइड नहीं करते, एक लाइन में नहीं होते, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर डायलैक्ट्रिक्स। इसके एग्जांपल कर लेते हैं, इसके एग्जांपल हैं वाटर है, HCl है, CO2 है, NH3 है, बहुत से एग्जांपल ऐसे हैं जिनके पॉजिटिव क्लाउड्स के सेंटर और नेगेटिव क्लाउड्स के सेंटर कॉन्साइड नहीं करते, ये क्या है हमारे, पोलर डायलैक्ट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इसी का पार्ट बनता है डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन, क्या होता है डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन। देखिए हमारे पास दो तरह के डायलैक्ट्रिक्स थे, एक पोलर डायलैक्ट्रिक्स, एक थे नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स। अब क्वेश्चन ये है, अगर उन डायलैक्ट्रिक्स के को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसका कैसा बिहेवियर होगा, तो देखो एक बार। तो हम पहले बात करते हैं नॉन पोलर की, बात कर लेते हैं नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक। नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स में देखिए, हम सिंपल फॉर्म में दिखाते हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक है, दिखाते कैसे हैं उसके, मैं बोला कि उसके हर एटम्स, हर एटम में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव्स कॉन्साइड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स क्या करते हैं उनके, कॉन्साइड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स क्या करते हैं उनके, कॉन्साइड करते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि कॉन्साइड कर रहे हैं, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, बोल सकते हैं टर्म से, तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट, इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो। तो नेट का भी कितना होता है, जीरो होता है। अब इस डायलैक्ट्रिक को मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या किया, एक पॉजिटिव प्लेट यूज़ किया, एक क्या यूज़ किया, नेगेटिव प्लेट, और इस डायलैक्ट्रिक को मैंने रख दिया वापस इसके अंदर, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, इस पॉजिटिव प्लेट ने क्या किया, इसके नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया, कैसे, ये क्या बन गया यहाँ पे नेगेटिव, ये क्या बन गया पॉजिटिव, दूसरे वाला आइटम्स का ये वाला नेगेटिव पार्ट, ये वाला क्या बन गया पॉजिटिव, क्योंकि अट्रैक्शंस होगी अपोजिट चार्जेस के बीच में, यहाँ पे नेगेटिव्स, यहाँ पे पॉजिटिव्स, सेम यहाँ पे हुआ, यहाँ पे नेगेटिव्स, यहाँ पे पॉजिटिव्स, क्योंकि एटम हैं बहुत से, इसी तरीके से पूरे नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स में यही अरेंजमेंट हुई। अब देखो ध्यान से देखा जाए तो देखिए ऐसा लग रहा है इस पूरे साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और इस पूरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। इस टॉपिक को मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, इट इज़ कॉल्ड चार्ज बाय इंडक्शंस, क्या बोलते थे इसको हम लोग,
चार्ज बाई इंडक्शंस। अब ये भी देखिएगा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स के अंदर कुछ स्पेस बन चुका है, ये इंडिविजुअल एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा इसका, नॉन जीरो होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, हो जाएगा। एक बार लिख लीजिए इसमें, ये दोनों डायग्राम बनाओ और लिखिए, वी हैव ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन विच इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम इज जीरो, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम इज जीरो बिफोर प्लेसिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इज जीरो बिफोर प्लेसिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिफोर प्लेसिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिफोर मतलब इसको बिना रखे हुए फील्ड के अंदर इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, जीरो है। सेकंड देखिए, अब इसको प्लेस कर दिया गया है, आगे लिखिए, वी प्लेस द डाइलेक्ट्रिक्स इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट एटम्स आर अरेंज्ड इन टर्म ऑफ डाइपोल so that one part of the dielectrics became negative and one part of the dielectrics became positive. It is called charge by induction or it is also called dielectric polarization. And each atom have non-zero dipole moment and net dipole moment is also non-zero, क्योंकि हर एक का non-zero है, सभी की direction same है, तो net का भी कितना होगा, non-zero होगा। ये conditions था, अगर एक non-polar को किसके अंदर रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए, तो ये कंडीशंस होगी, ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होगा, देखिए हमारे पास एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। पोलर में क्या होता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स कॉन्साइड नहीं करते, तो पहले से ही डाइपोल्स किस तरह बिहेव करता है, एटम किस तरह बिहेव करता है, डाइपोल की तरह बिहेव करता है। प्रॉब्लम क्या है, जब इसको प्लेस नहीं किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके डाइपोल मोमेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में बन रहे थे इंडिविजुअल एटम्स के। तो इसको ऐसे दिखाते हम लोग, ठीक है, ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक बिफोर प्लेसिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। अब देखो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, हर एक का नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ मोमेंट दिखा रहा है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट कितना है इसका, अभी भी कितना है, जीरो, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ये कैंसिल कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसको मैंने प्लेस किया इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए मैंने एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट यूज की, और यहाँ पे रखा मैंने एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इससे क्या होगा, एटम्स अरेंज हो गए इन डेफिनेट पैटर्न्स, एटम्स अपने आप को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया इन ए डेफिनेट डायरेक्शन या इन ए डेफिनेट पैटर्न्स, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे कौन आएगा, पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, सेम यहाँ पे आंसर्स होंगे सभी के, जिस तरह से पहले केस में हुआ था। क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, ये पूरी साइड बिहेव लाइक नेगेटिव्स, दिस साइड बिहेव लाइक ए पॉजिटिव साइड, ठीक है। इसको ये बोल सकते हैं कि चार्ज इंड्यूस्ड हो गए हैं,
बाई चार्ज बाई इंडक्शंस, दिस इज कॉल्ड डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, डायग्राम बनाइए दोनों। इसमें लिखिए, पहले पॉइंट में लिखिएगा, वी हैव ए पोलर डायलैक्ट्रिक्स, वी हैव ए पोलर डायलैक्ट्रिक इन विच ईच एटम्स हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ईच एटम हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, बट दीज एटम्स आर अरेंज्ड इन द इन रैंडम मैनर या इन इरेगुलर मैनर्स, सो दैट नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट इसमें कितना होगा, इज जीरो। ठीक है, ये था बिफोर प्लेसिंग इट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिफोर प्लेसिंग इट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने क्या कर दिया, इसको प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी। लिख लीजिए, आफ्टर प्लेसिंग द पोलर डायलैक्ट्रिक्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड देन एटम्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न, एटम्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न या इन रेगुलर पैटर्न। ठीक है, सो नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, क्योंकि सभी डायरेक्शंस क्या हैं, सेम है, ये भी क्या रहेगा, नॉन जीरो। एंड वन साइड ऑफ द पोलर डायलैक्ट्रिक बिकेम नेगेटिव एंड अदर साइड बिकेम पॉजिटिव, सो चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन द डायलैक्ट्रिक्स बाई चार्ज बाई इंडक्शन, दिस इज कॉल्ड डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन। लिखिए इसी में, इन डायलैक्ट्रिक्स चार्ज इज शिफ्टेड या चार्ज इज ट्रांसफर विदाउट कंडक्शन, इट शो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ट्रांसफर विदाउट कंडक्शन एंड इट शो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब उस फील्ड का वैल्यू कितना होगा देखिएगा। देखिए, जब हमने एक पोलर डायलैक्ट्रिक को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में या नॉन पोलर को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक दोनों में एक सिमिलरिटी ये हुई कि दोनों के अंदर चार्ज इंड्यूस्ड हो गए। यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव्स सारे इकट्ठे हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, पॉजिटिव्स इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, दो हमारे पास दो चार्ज प्लेट हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही हैं जो हवा में है, इट इज़ ई नॉट, कितना है ये, ई नॉट, और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है, इट इज़ कॉल्ड ई पी। इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाई पोलराइजेशन। तो ई नॉट तो क्या है, ई नॉट है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और फ्री स्पेस। और ई पी क्या है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब दोनों में देखिए कंडीशंस क्या हैं, दोनों की डायरेक्शंस उल्टी हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इनमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं ई ले लेता हूँ, तो ई इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ई नॉट माइनस ई पी। यही कंडीशन अगर इलेक्ट्रिक, ये कंडीशन किसमें आई, अगर कंडक्टर हो, तो मैंने ऑब्जर्व किया था कि इंटरनल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड दोनों की वैल्यू क्या थी, बराबर थी, इसलिए नेट फील्ड कितना था इनसाइड, जीरो था, लेकिन यहाँ पे नेट फील्ड बचता है इनसाइड, कुछ ना कुछ वैल्यू आती है उसकी। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये था हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलैक्ट्रिक्स।